स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपने समाज के आसपास की सफाई पे तो हमारा ध्यान जाता है, लेकिन समुद्र में पड़े कचरों की तरफ कभी हमारा ध्यान शायद नहीं जाता। लेकिन इन्हीं की साफ सफाई को लेकर के कुछ लोगों ने सतर्कता दिखाई और बहुत ही नेक कार्य किया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता योगेश रास ने की ये खास रिपोर्ट। फोटो बनाएंगे, फोटो बनाएंगे सफाई अभियान चालू किया आपने, तो उस पर उसके ऊपर कुछ प्रतिक्रिया दीजिए आप, देशवासियों को कुछ आप कहना चाहेंगे? समुद्र का क्लीन रखना काम अपना है, अपना सिटीजन है ना, तो अवेयरनेस आना चाहिए कि नीचे हम लोग समुद्र में प्लास्टिक कुछ फेंकना नहीं चाहिए, फेंकने से अपना समुद्र खराब हो जाता है, क्लीन करने के लिए टाइम बहुत होता है। सर आप कुछ बताना चाहेंगे? सर आपका नाम? मेरा नाम महेश घाटे है। महेश घाटे, घाटे मुंबई पोर्टर्स के हम लोग एम्प्लॉइज हैं, और स्वच्छता पखवाड़ा के अंदर ये हमने अभी समुद्र की सफाई का काम बड़े जोरों शोरों से हाथ में लिया है। अभी जैसा कि आपने देखा, ये दो, इसे डिंगी कहते हैं, दो डिंगी भर के कचरा अभी हमने उठाया है, जो कि हमने, हम और आप जैसे आदमियों ने ऊपर से नीचे जो फेंक दिया था, जैसे कि उसमें आपने देखा होगा पानी की बोतलें है, और जो है तो दूध की बैग्स है, और थर्माकोल जो है वो है, ये बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें जो है, और उसको निकालना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक कि हमें ऐसा लगता है कि हम इंडिविजुअल सभी अगर जब ख्याल करते हैं तो ये अभियान बहुत ही कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। थैंक यू, धन्यवाद। सर आपका नाम? मेरा नाम अशोक पावड़े है, मैं मुंबई पोर्टर्स कर्मचारी है, इसे साफ सफाई से काम करता हूँ। ये भी ले रही है? मैं लाया नहीं है वो। आपने दिख पहना नहीं?